प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य इस अध्याय में से आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय परिदृश्य का महत्व। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्षेत्रीय परिदृश्य का क्या महत्व है। भारतीय समाज का दो प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है, ऐतिहासिक और अऐतिहासिक, अर्थात स्थैतिक और गतिशील अध्ययन। स्थैतिक या अऐतिहासिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्रकार क्षेत्रीय अध्ययन है। क्षेत्रीय परिदृश्य की प्रकृति एवं महत्व। क्षेत्रीय परिदृश्य की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि यह स्थैतिक, अऐतिहासिक या अकालक्रमिक है। भारतीय समाज के संदर्भ में यह भारतीय समाज का वर्तमान की स्थिति का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। क्षेत्रीय परिदृश्य क्योंकि वर्तमान समाज की संरचना और उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का चित्र है, इसलिए यह समाज के संगठन की पूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। यह समाज एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के संरचनात्मक पक्षों के स्वरूपात्मक अध्ययन एवं चित्रण पर विशेष ध्यान देता है। भारत के संदर्भ में यह भारतीय समाज का उसके विभिन्न अंगों के प्रकार्यात्मक संबंधों का विश्लेषणात्मक परिदृश्य प्रदान करता है। यह सामाजिक इकाइयों जैसे परिवार, नातेदारी, विवाह, धर्म, जाति, भाषा आदि की पारस्परिक अंतक्रियाओं का परिदृश्य प्रस्तुत करती है। इसमें इस वास्तविकता का भी वर्णन मिलता है कि ये विभिन्न इकाइयां परस्पर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं और होती हैं, इनमें किस प्रकार से समायोजन होता है, इसे भी क्षेत्रीय परिदृश्य में देखा जा सकता है। क्षेत्रीय परिदृश्य का उद्देश्य एवं महत्व। क्षेत्रीय परिदृश्य का उद्देश्य किसी निश्चित भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के सामाजिक जीवन से संबंधित अवलोकित यथार्थ तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं आदि का परिदृश्य प्रस्तुत करना होता है। क्षेत्रीय परिदृश्य किसी समाज या समुदाय विशेष की तात्कालिक एवं व्याधिकीय समस्याओं के निदान एवं समाधान के उद्देश्य को लेकर उसकी महत्वपूर्ण जानकारियां एवं समाधान की योजना प्रदान करता है। क्षेत्रीय परिदृश्य की विशेषताएं एवं महत्व। क्षेत्रीय परिदृश्य की निम्नलिखित विशेषताएं एवं महत्व है। नंबर एक, वस्तु निष्ठता। क्षेत्रीय परिदृश्य समाज से संबंधित विषय या प्रकरण का वस्तुनिष्ठ चित्रण होता है। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात या झुकाव देखने को नहीं मिलता है। जैसी परिस्थिति होती है उसका यह जो का त्यो चित्रण होता है। यह परिदृश्य समाज के वर्तमान से संबंधित होता है। इसमें किसी प्रकार की व्यक्ति निश्चितता के आने की संभावना नहीं रहती है। नंबर दो, प्रत्यक्ष अवलोकन। क्षेत्रीय परिदृश्य की दूसरी विशेषता इसका प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा एकत्र तथ्यों पर आधारित होना है। यह वैज्ञानिक घटना की वास्तविक जानकारी स्वयं देखकर एकत्र करने का प्रयास करता है। वह घटना से संबंधित घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर ही उनके विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। नंबर तीन, कारणात्मक। क्षेत्रीय परिदृश्य में जिन कारकों का वर्णन एवं व्याख्या की जाती है वे परस्पर कारण प्रभाव पर आधारित होते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में अनेक विकास योजनाओं, कार्यक्रमों के निर्माण एवं मूल्यांकन आदि में क्षेत्रीय परिदृश्य की विशेष उपयोगिता है। नंबर चार, प्राथमिक स्रोतों पर आधारित। सामग्री के दो स्रोत होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक सामग्री संकलन की विधियां हैं अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, क्षेत्रीय सर्वेक्षण आदि। द्वितीयक सामग्री वे होती है जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो और बाद में अन्य शोधकर्ता काम में लेते हैं। द्वितीयक सामग्री दूसरों के द्वारा एकत्र सामग्री होती है, जैसे लिखित प्रलेख, व्यक्तिगत प्रलेख, सार्वजनिक प्रलेख, डायरियां, संस्मरण, पत्र पत्रिकाएं, अभिलेख आदि। इन स्रोतों का उपयोग पाठ्य परिदृश्य तैयार करने के लिए किया जाता है। ये कम विश्वसनीय, प्रामाणिक और सत्य होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय परिदृश्य प्राथमिक सामग्री पर आधारित होते हैं, इसलिए ये अधिक सत्य होते हैं। नंबर पांच, जांच संभव। क्षेत्रीय परिदृश्य सामग्री के प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होते हैं, इसलिए इनकी जांच बाद में करना भी संभव होता है। ये परिदृश्य वर्तमान में किए गए अध्ययन होते हैं, इसलिए इनकी सत्यता, प्रामाणिकता की जांच करना संभव है। अतः पाठ्य परिदृश्य की तुलना में क्षेत्रीय परिदृश्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर छह, सत्य, प्रामाणिकता
और विश्वसनीयता। क्षेत्रीय परिदृश्य क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित होते हैं तथा कारणात्मक अन्वेषण का परिणाम होते हैं, इसलिए सत्य और प्रमाणित होते हैं। इन परिदृश्यों की पुनः जांच संभव है और ये वर्तमान समाज के अध्ययन होते हैं, इसलिए प्रमाणित भी होते हैं। क्षेत्रीय परिदृश्य की उपयोगिता एवं महत्व। क्षेत्रीय परिदृश्य की अनेक उपयोगिताओं के कारण यह विज्ञान जगत में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह परिदृश्य ज्ञान का विकास करता है, वर्तमान समाज की पूर्ण जानकारी देता है, सिद्धांतों की खोज करता है, अवधारणाओं का विकास करता है। श्रीनिवासन ने दक्षिण भारत के अध्ययन के आधार पर ब्राह्मणीकरण फिर संस्कृतिकरण की अवधारणाओं का विकास क्षेत्रीय परिदृश्य से प्रभावित होकर किया था। बाद में इन्होंने भारतीय समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन, व्याख्या, रूपांतरण के अध्ययन के लिए पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रतिपादित की है। इसी प्रकार से अन्य अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जिन्होंने भारतीय समाज से संबंधित ज्ञान का विकास किया है, पुराने सिद्धांतों को रद्द किया है अथवा उनमें वैज्ञानिक को संशोधन करने में सहायता की है। भारतीय क्षेत्रीय परिदृश्य ने अनेक भारतीय और वैज्ञानिक विदेशी वैज्ञानिकों को क्षेत्रीय और आनुभविक अध्ययन के लिए प्राथमिक आधार प्रदान किया है, जिसके आधार पर उन्होंने अनेक शोध कार्य किए हैं, नवीन अवधारणाओं का विकास एवं सिद्धांतों का निर्माण किया है। प्रमुख जाति व्यवस्था में गतिशीलता, संघर्ष, समूह का गुट या अध्ययन, लघु वृहद परंपरा, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण आदि अनेक भारतीय समाज से संबंधित अवधारणाओं के प्रतिपादन में क्षेत्रीय परिदृश्य उपयोगी रहा है। क्षेत्रीय परिदृश्य यह स्पष्ट करता है कि कौन से तथ्य भारतीय समाज के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। भारतीय समाज की समस्याओं के समाधान में इस परिदृश्य का उपयोग किया जा सकता है। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा से लेकर निर्माण एवं क्रियान्वयन में भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रीय परिदृश्यों का लाभ उठाया। भारतीय समाज की संरचना परिवर्तन के अध्ययन रूपांतरण में क्षेत्रीय परिदृश्य के अनेकानेक महत्व देखे जा सकते हैं। क्षेत्रीय परिदृश्य की सहायता से नवीन तथ्यों का संकलन तथा खोज की जा सकती है। उनके आधार पर पुराने सिद्धांतों, योजनाओं, उद्देश्यों आदि की जांच की जा सकती है तथा नवीन सिद्धांतों का निर्माण एवं नवीन योजनाओं और उद्देश्यों को निश्चित किया जा सकता है। भारतीय समाज के अध्ययन में क्षेत्रीय परिदृश्य का अपना महत्व एवं स्थान है। धन्यवाद।